मित्रों नमस्कार। मित्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच में एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिस मुद्दे ने पूरे देश के अंदर एक हाहाकार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। और मैं हाहाकार जैसी स्थिति इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जो बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की तरफ से भारत के अंदर की गई थी और जिसकी जानकारी ही लोगों को नहीं थी, वो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पूरे देश को बताई है। और ये जो सारी बात है, ये ऐसी बात है कि इसको प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसको एक रैली में उठा रहे हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में। ये हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी साजिश है, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद फिर आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी उन्होंने 5 मिनट तक सिर्फ इसी मुद्दे पर बात की। और मुद्दा है क्या मित्रों? मुद्दा ऐसा है कि जब आप जानेंगे तो आपका भी दिल धक से कर जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि वो देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबकी संपत्ति का एक सर्वे करवाएगी और इस संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद वो क्या करने वाली है, इसका पूरा खुलासा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बांसवाड़ा की और अलीगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का जितना भी संपत्ति है उसका सर्वे कराएगी और उसके बाद जब वो देखेगी सर्वे में कि इनकी संपत्ति कहीं पे अगर किसी की संपत्ति देखेगी तो उसको संपत्ति को ले लेगी और उस संपत्ति को लेने के बाद वो उसको मुसलमानों में जो मुसलमान घुसपैठी हैं, खासकर जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको बाँट सकती है। इस तरह का इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, बहुत ही बड़ा बयान है जो कि दिया गया है। और मित्रों जब ये बयान दिया गया उसके बाद पूरे देश के अंदर जब इनका जो असली चेहरा था कांग्रेस पार्टी का जब उजागर कर दिया गया, तो उसके बाद मैं बताऊं आपको मित्रों कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया। ये सुप्रिया सिनेत्र के जो है एकदम समझ लो कि इन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया कि आखिर मोदी जी हमारी रणनीति कैसे जान गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है। रवीश कुमार भी अनर्गल प्रलाप शुरू कर चुके हैं। अजीत अंजुम की भी जो है एकदम इस समय बीपी हाई हो चुका है और तरह तरह के नाना प्रकार के ट्वीट्स, नाना प्रकार की जो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने का काम शुरू हो गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को झूठा कहा जा रहा है कि झूठ का चेहरा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही वो क्या बात क्या कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में वो बात नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ये साबित करे, बताए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ऐसी बात कह दी है? मैं आपको दिखाता हूँ एक पूरे पॉइंट बाय पॉइंट, मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊँगा जिसमें कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि कितनी चतुराई से हिंदुओं की संपत्ति को, हिंदुओं के धन को जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं या जो रोहिंग्या हैं या जो भी इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको बांटने का या मुसलमानों के बीच बांटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, मैं आपको खुद इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। मित्रों अब याद कीजिए, सबसे पहला पॉइंट याद कीजिए, दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान आया था और वो बयान ये था कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी स्पेशली विशेष रूप से जो पहला हक है वो मुसलमानों का है देश की संपत्ति पर। यह बात किसने कही थी? मनमोहन सिंह ने कही थी। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब यह बात कही गई थी दिसंबर 2006 में, उसी वक्त देश के अंदर यह अभियान और यह कोशिश की जा रही थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको, जो शेड्यूल कास्ट की जो पूरी लिस्ट बनती है नौकरियों की, तमाम चीजों की, उसमें किसी तरह से मुसलमानों को अधिकार देना, उनको घुसाना शुरू कर दिया जाए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट तो ये है।
तीसरा पॉइंट यह है मित्रों कि उस समय एक और ये योजना चली थी कांग्रेस पार्टी के समय में कि जो मुस्लिम सरकारी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें मुसलमानों को 15% आरक्षण दे दिया जाए। तीसरी बात ये कोशिश की गई कि जो ओबीसी आरक्षण चल रहा है, जो ओबीसी आरक्षण चल रहा है उसके अंदर धर्म के आधार पर 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। चौथा पॉइंट यह है कि कांग्रेस के सांसद रंगनाथ मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि शेड्यूल कास्ट ओबीसी जो धर्मांतरण कर रहे हैं, यानी कि जो अगर कोई मुसलमान, अगर कोई हिंदू जो है वो ओबीसी है, एससी है, अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन रहा है तो उन मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात किसने कही थी? रंगनाथ मिश्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। पांचवी बात यह है कि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई और उस सच्चर कमेटी ने ये कहा कि साहब जो है ये तो मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा खराब है देश के अंदर, तो इस तरह से उनको हिंदुओं के संसाधन बांटने की योजना बनाई गई। छठा पॉइंट यह है मित्रों कि आखिर कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का इतना ज़्यादा तुष्टिकरण इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको मुसलमान अब वोट नहीं दे रहा है। यानी मुसलमान वोट किसको देता है? समाजवादी पार्टी को देता है, आरजेडी को देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट दे इसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास ये पूरी एक योजना है और वो योजना यही है कि किसी तरह से जो हिंदुओं का धन है उसको बांट करके और उसको मुसलमानों को बांटा जाए। सातवीं सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने स्वयं एक बयान दिया है और उस बयान में अमित शाह ने ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि नहीं लिखा है बताए, जरा सुनिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम पे स्पष्ट करें। और समझ रहे हैं, मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसे अपने सर्वे में ये बात तो लिखी हुई है कि भाई वो संपत्ति का सर्वे कराएंगे। अरे भाई संपत्ति का सर्वे करा के तुम करोगे क्या? अब यहां पे आता है आठवां पॉइंट और वो पॉइंट क्या है मित्रों? अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो माओइस्ट सोच के लोग हैं, जो माओवादी सोच के लोग हैं, वो घुस चुके हैं। और माओवादी सोच क्या होती है? वो ये होती है कि देश में एक बवाल खड़ा किया जाए, यानी लोगों की योग्यता या लोगों की मेहनताने के हिसाब से उनको धन ना दिया जाए, बल्कि जिसके पास जो है उससे उसको छीन लिया जाए और उस पर कब्जा करके बैठ जाया जाए। ये जो माओवादी सोच है, इसी माओवादी सोच के लोग अब कांग्रेस पार्टी के अंदर घर कर चुके हैं, बैठ चुके हैं। ये आठवां पॉइंट है। नौवां पॉइंट ये है मित्रों कि आप याद कीजिए कि ये हिंदुओं के खिलाफ कोई पहली साजिश नहीं है। ये कम्युनल वायलेंस बिल जो आया था, कांग्रेस पार्टी लाई थी, इस बिल में क्या प्रावधान था? इस बिल में ये प्रावधान था कि अगर किसी मुस्लिम, अगर किसी हिंदू बहुल इलाके में अगर कोई मुस्लिम दंगा करता है तो चाहे गलती उसमें किसी की भी हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, लेकिन पकड़ा मुसलमान को, हिंदू को ही जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम हिंदू बहुल इलाका है। और यही बात जो है मुस्लिम बहुल इलाके के संदर्भ में नहीं थी। वहाँ पर कितनी चतुराई से देखिए हिंदुओं को दबाने की कोशिश, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। दसवां पॉइंट क्या है जरा देखिए, आपके सामने वक्फ बोर्ड का एग्जाम्पल है। वक्फ बोर्ड के जरिए कैसे हिंदुओं की ज़मीनें जो उनकी पुश्तैनी थी उसको किस तरह हड़पा जा रहा है, इसको ताकत देकर भी, वक्फ बोर्ड को ताकत देकर भी कांग्रेस पार्टी सब काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है, ग्यारह पॉइंट हम कहें तो वेस्ट बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल की नौकरियों में तो बाकायदा बड़ी संख्या में जो जो मुसलमान है उनको घुसेड़ा जा चुका है और खासकर पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में घुसेड़ा जा चुका है। यही आप देखिए संदेश खाली के अंदर क्या हुआ, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू थे उनको शाहजहाँ से उनकी ज़मीनें हड़प रहा था। तो जो ये पूरा एक जिहादी माइंडसेट जिससे कि कांग्रेस पार्टी रूल हो रही है, उसने पूरे कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की चीज़ें लिखवाई हैं ताकि वो हिंदुओं को अधिक से अधिक चालाकी से दबा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सारी चालाकी को खोल कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा बयान आपको सुनना है मित्रों, मैं पूरा बयान यहाँ पे सुना रहा हूँ और आप ज़रूर ये पूरा बयान सुनिएगा और सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग जाकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करें और ये देश को बताएं कि सच क्या है। ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है ये वीडियो वायरल हो पाएगा। जरा सुनिए एक बार क्या बोल रहे हैं मोदी जी। अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूँ, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नजर आपकी कमाई
पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों ना हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा, इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी, किसके पास एक वाहन है, किसके पास दो वाहन है उसकी भी जांच होगी, यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी, व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी, सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो दो में से एक छीन लेंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है, ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। तो मित्रों, ये सारी जो स्थितियां देश के अंदर बन रही है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा और इस वीडियो को सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।